हेलो फ्रेंड्स, भावना के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मूंग दाल। मूंग दाल को 4 से 5 घंटे तक भिगा कर रखना है। यहाँ हमारा मूंग दाल अच्छे से भीग गया है। अब हमें इसे एक छलनी में निकाल कर छान लेना है। इसका सारा पानी निकाल लेना है। अब हमें इस मूंग दाल को पीस लेना है। इस मूंग दाल को हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और इसमें पानी भी नहीं डालना है। अब हमने मूंग दाल को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ हमारा मूंग दाल का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर में 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, धनिया पत्ता डालना है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालना है, 2 कटी हुई हरी मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर हमें इस दाल को 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। हमें इसे एक ही साइड घुमाकर फेंटना है, अलग अलग साइड नहीं घुमाना है, एक ही साइड घुमाकर अच्छे से फेंटना है। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसे ढक्कन लगाकर साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हमें दही भल्ले के लिए दही तैयार करना है। अब हमें एक टोप लेना है। टोप के ऊपर छलनी रखकर हमें इस दही को अच्छे से छान लेना है। दही छानने से हमारी दही अच्छी पतली बन जाती है। हमने दही 1 किलो लिया है, जो हमने छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी शक्कर, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इस दही में 3 ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने हमारी दही भल्ले के लिए दही तैयार कर ली है। अब हम इसे ढक कर साइड में रख देंगे। अब हमें पकोड़े तैयार करने हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमें कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म करना है। यहाँ हमारे पकोड़े का बैटर अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से भी फेंट लेंगे। अब हमें एक बाउल में पानी लेकर इस बैटर को हम चेक कर लेंगे। जैसे ही हम बैटर को पानी में डालेंगे, पकोड़े का बैटर ऊपर तैरने लगेगा। अगर पकोड़े का बैटर पानी में डूब जाता है तो इसे थोड़ा सा 5 मिनट और हाथ से फेंट लेंगे। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को मीडियम आंच में ही रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। अब हम पकोड़े के बैटर को कढ़ाई में डालकर पकोड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे पकोड़े बन गए हैं। अब हमें इन पकोड़ों को एक बाउल में निकालना है। ऐसे ही हम सारे पकोड़े बना लेंगे। यहाँ हमारे सारे मूंग दाल के पकोड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इन पकोड़ों को दही में डाल देंगे। इन्हें 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे ही ढक्कन लगाकर रख देना है रेस्ट के लिए। 1 से 1.5 घंटा रखने के बाद हमारे दही भल्ले अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमने इन दही भल्लों को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम दही भल्ले को तड़का लगा लेंगे। एक पैन लेना है, उसमें 1 चम्मच तेल डालकर तेल गरम करना है। अब हम इस तेल में 2 सूखी मिर्ची तोड़कर फ्राई कर लेंगे। अब हमें तड़का को दही भल्लों के ऊपर डाल देना है। अब हमें दही भल्लों में अनारदाना भी डालना है। अनारदाना डालने से हमारे दही भल्लों में अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए, हमारे दही भल्ले तैयार हो गए हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।